विगत कुछ वर्षों से 8-9 साल पहले भी एक बार ये ऐसी घटना हो चुकी। उस समय भी हमने थाना को सूचित किया था, जो कि उस समय भी कुछ नहीं हुआ। गोलागतनी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। सोना के दुकान में चोर लाखों रुपया के आभूषण कैले चोरी, मौका छेपे जांच में जुटल पुलिस। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल को नया बानी तब बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। काराकाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चिकसिल के कुरूर गांव श्रेया ज्वेलर्स में अज्ञात चोर लाखों रुपया के आभूषण के चोरी कर लेलन। जानकारी के अनुसार चोरी के घटना मंगल के रात घटित होके के बाद बतावल जा रहा बा। घटना के बारे में बतावल जाता कि श्रेया ज्वेलर्स के संचालक कुरूर निवासी रोज के भांति मंगल के रात खापन दुकान बंद करके घर चल गए। जैसे ही सुबह भइल तो रास्ता से गुजर रहा स्थानीय लोग देखलन कि दुकान के ताला काट के अज्ञात चोर के द्वारा श्रेया ज्वेलर्स में चोरी कर गिर बा। जेकर सूचना स्थानीय लोग दुकानदार के दिहलन। घटना के सूचना मिलते संचालक सुनील कुमार सिंह अपन दुकान पर जैसे ही पहुँचलन तो स्थल पर लोग के भीड़ जुटल रहे। जब वो अपन दुकान के अंदर जांच पड़ताल कैलन तो अज्ञात चोर के द्वारा दुकान के ताला काट के यह दुकान के अंदर से 13 किलो चानी और 20 ग्राम सोना के आभूषण के चोरी कर दिल गए रहे, जेकर कुल कीमत 7,64,000 रुपया बतावल जा रहा बा। यह घटना के लेके ज्वेलर्स के संचालक कुमार के द्वारा अज्ञात लोग के विरुद्ध लिखित आवेदन थाना के देवे के बाद कहल गई बा। सूचना मिलते काराकाट थाना के परीक्षमान DSP सह थानेदार मोहम्मद शहनवाज अख्तर वरीय पुलिस अधिकारी आदित्य कुमार अपन दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुँच के विस्तार से जानकारी दिए। घटना के संबंध में मोहम्मद अख्तर बतैनी कि स्वर्ण व्यवसायी के द्वारा अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवावल गई बटुए लिखित आवेदन दिहल गई बा। यहाँ के बतैनी कि घटना के संबंध में कांड दर्ज करत स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई बिया। ठंडा के टाइम आ रहा बा, इस समय चोर के आतंक भी अधिक हो जाए। एकरा पीछे पुलिस के चाही कि सबसे अधिक पेट्रोलिंग करे। पेट्रोलिंग अगर हुई रात में तो संभवतः चोरी के घटना पर कुछ हद तक लगाम लगावल जा सकेगा। रात के अंधेरा में सब कोई जब ठंडा के मौसम में अपना घर में रहला तो चोर अपन मनसूबा में कामयाब हो जालन। वही तरीका से दुकान में ताला काट के या चोरी के घटना के अंजाम दिहल बा। देख सकीला ही पौश इलाका है, घना आबादी बटू। एकरा बावजूद चोर कितना ढीठ रहल हन कि यह दुकान के ताला काट के आ सोना चांदी ले उड़ल पड़े। लगभग 8 लाख के आसपास सोना चांदी कुल मिला के आकलन कई जा रहा बटुए कि रहल हटुए। भोजपुरिया समाचार अब बयान सुनाबे जा रहा बा वह दुकानदार के जेकर इस सामान चोरी गई बटुए। लेकिन रौरा दर्शक लोग से भोजपुरिया समाचार निहोरा करेला कि चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी, ताकि भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक देश ना विदेश तक जाओ। सुनी बयान का कहते रहे दुकानदार। आपका सोना चांदी का दुकान था, जिस दुकान में रात में हमको सुनने को आया कि लाखों के सामान चोर चुरा करके लेकर के भाग गए, थोड़ा उसके बारे में हमको बता दीजिए घटना क्या हुआ है। देखिए घटना ये है कि कल रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों ने हमारे दुकान का ताला तोड़ कर लगभग 13 किलो के आसपास चांदी और 20 ग्राम के आसपास जो सोना था वो चुरा कर ले गए। वह सुबह मैं घर पे था नहीं, सुबह कुछ लोगों ने देखा तो उन लोगों ने कॉल किया। मैं आरा में था, आरा में जब लोगों ने बताया, कॉल करके बताया कि आपके दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा फिर देखा तो हमारा जो सामान था वो मैंने बदमाशों ने मैंने काट कर ले गए। और विगत कुछ वर्षों से 8-9 साल पहले भी एक बार ये ऐसी घटना हो चुकी थी। उस समय भी हमने थाना को सूचित किया था, जो कि उस समय भी कुछ नहीं हुआ।
और इस बार भी हालांकि थाना प्रभारी हमको तो कुछ आश्वासन दिए हैं कि आप भरोसा रखिए हम आपको न्याय दिलाएंगे। लगभग कितना का संपत्ति होगा जो चुरा करके लोग ले गया है? लगभग 7,64,000 शायद उसमें दिए हैं FIR में। हाँ वही नियर अबाउट मतलब 8,00,000 के आसपास मान के चलिए। अच्छा 8,00,000 के लगभग। हाँ तो क्या लगता है आप न्याय ये लोग जो है प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो यही मांग करना चाहेंगे कि जो लोगों ने हमारे सामान को चुराया है, जो ये कि बार बार हमारे हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है, इस पर कड़ी कार्रवाई करके उन बदमाशों को पकड़ा जाए और हमें अगर हो सके तो हमारे जो चोरी गए सामान रिकवरी करा दिया जाए। और विशेष मैं क्या कहूँ, अच्छा हम तो बर्बाद हो गए बिल्कुल। इतने दिन की कमाई रखा हुआ था जो कि सारे उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके बटोरा और चंद मिनटों में लोगों ने आए और चुरा कर लेकर चले गए। अच्छा आपका क्या नाम पड़ता है? सुनील कुमार सिंह। पिताजी का नाम? स्वर्गीय राम बच्चन सिंह। और दुकान कहाँ था? कुरूर गांव में, बीच गांव में है दुकान, श्रेया ज्वेलर्स के नाम से है। जी धन्यवाद।